नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? दोस्तों नमस्कार, दोस्तों स्वागत करता हूं मैं आपका, और उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हम सब इस दुनिया में जन्म लेते हैं और फिर मर जाते हैं, पर क्या आपने एक बार भी ये सोचा है कि जन्म आपने क्यों लिया? आप क्या पाना चाहते हो और आप क्या छोड़ रहे हो? अगर आप इस वीडियो को थोड़ा सा सुनते हैं तो हो सकता है कि आपकी लाइफ थोड़ी सी चेंज हो जाए। दोस्तों एक बार की एक बात है कि एक बार एक आदमी मर गया था। दोस्तों एक बार की बात है कि एक आदमी मर जाता है और मरने के बाद में वो देखता है कि भगवान उसको स्वयं लेने आए हुए हैं। वो भगवान को देख के रो पड़ता है, फिर बोलता है कि मेरी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, मुझे बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में, तो मुझे प्लीज़ मत ले जाओ, मुझे थोड़ा और समय दे दो। पर भगवान कहते हैं कि तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, तुमने जितना करना था कर लिया, अब तुम्हें चलना ही होगा। तो वो निराश हो जाता है, पर वो भगवान के हाथों में एक बैग दिखता है। पूछता है कि भगवान इस बैग में क्या है? तो वो बोलता है इसमें तुम्हारी चीज़ें हैं। वो बोलता है कि भगवान क्या इसमें मेरी वस्तुएं, क्या इसमें मेरा धन, क्या मेरे इसमें कपड़े हैं? बोले नहीं, ये तो कभी तुम्हारा था ही नहीं, ये तो तुम वहीं छोड़ आए हो जहाँ से तुम आए थे। फिर वो फिर से पूछता है तो भगवान क्या इसमें मेरी योग्यता है? बोले नहीं, ये तो तुम्हें तब मिली थी जब तुमने जीवन में संघर्ष किया था, और ये भी तुम्हें रस्ते पर मिली थी। तो फिर वो पूछता भगवान से, भगवान क्या इसमें मेरी यादें हैं? तो भगवान बोलते हैं नहीं, ये तो तुम उन्हीं लोगों के साथ छोड़ कर आ गए हो जिन लोगों के साथ तुम रहते थे। फिर वो पूछता है कि भगवान क्या इस बैग में मेरे परिवार, मेरे दोस्त या मेरा प्यार है? भगवान ने कहा नहीं, ये सब भी तुम्हारा वहीं छूट गया है। तब वो आदमी संकोच में पड़ गया। तब उसने भगवान से पूछा कि भगवान इस बैग में ऐसा है क्या? तब भगवान ने बोला तुम स्वयं ही देख लो। जैसे ही उसने बैग खोला तो वो रो पड़ा। उसने कहा कि भगवान इसमें तो कुछ भी नहीं है, मतलब क्या मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं ऊपर नहीं ले जा रहा हूँ? तो भगवान ने कहा कि तुम्हारा प्रत्येक क्षण, तुम्हारा प्रत्येक लम्हा, जो तुम्हारे प्रत्येक सुख, जो तुम्हारे परिवार के साथ, तुम्हारे दोस्तों के साथ है, वो सब कुछ भुलाकर तुम जिंदगी में तुमने वही चीज़ को जिया और वही चीज़ पाने के लिए पूरी ज़िंदगी निकाल दी जो तुम्हारी कभी थी ही नहीं। इसलिए इस बैग में ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम लेके जा रहे हो। दोस्तों इस मोटिवेशनल स्टोरी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इस ज़िंदगी की रेस को छोड़कर एक मिनट सोचो, आप किस चीज़ को पाने के लिए भाग रहे हो? हो सकता है वो आपकी हो ही ना, हो सकता है कि आपको वो कभी मिले ही ना। दोस्तों इस स्टोरी से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी का प्रत्येक क्षण को जियो, अपनी ज़िंदगी के प्रत्येक लम्हे को जियो, और वो हर एक काम को पूरा करो जो आप दिल से करना चाहते हो। दूसरों को देखकर दूसरों के काम को करने की कोशिश मत करो। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सो क्योंकि जो लोग मुझे जानते हैं ऐसा एशिया टेलीकॉम या फिर स्मार्ट डेवलपर, मैं बताना चाहता हूँ कि यह है मेरी मोबाइल सॉफ्टवेयर फ्लैशिंग की बुक, और ये अब आ चुकी है और ये मार्केट में बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है दोस्तों। तो इस बुक को अगर आपको परचेस करना है तो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो आप इसमें देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं मैंने इसकी परचेस लिंक इस वीडियो में जरूर डाली होगी। बाकी अब इस बुक को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, हर जगह से आप इस बुक को खरीद सकते हैं। आईफोन को कैसे फ्लैश करते हैं, इसमें सोनी, ब्लैकबेरी, ऑसस, एमआई, सौमी, सैमसंग और मीडियाटेक के या क्वालकॉम के ड्राइवर कैसे चलाते हैं, सारी इसमें जानकारी चित्र के साथ दी हुई है। काफ़ी अच्छी बुक है और काफ़ी सस्ती है, इसको आप परचेस कर सकते हैं। An ISO 9001 and 2008 Certify Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. Yeah.